आखिर इस ऑटो रिक्शा को फैक्ट्री में बड़े पैमाने पर कैसे बनाया जाता है और आखिर पूरे भारत में रोज कितनी ऑटो की मैन्युफैक्चरिंग की जाती है। दोस्तों, ऑटो रिक्शा बनाने से पहले इसके ढांचों को कंप्यूटर में तैयार किया जाता है, या फिर कहे तो इसके 3D डिजाइन को ड्रॉ किया जाता है, जिसमें ऑटो रिक्शा के छोटे से छोटे पार्ट्स और नट्स को ड्रॉ किया जाता है। डिजाइन ड्रॉ कर लेने के बाद ऑटो के सेफ साइज के मुताबिक स्टेनलेस स्टील के सीट को अलग अलग साइज में काट दिया जाता है। अब यहाँ एक हाइड्रोलिक प्रेस मशीन से कटे स्टील की सीटों को ऑटो के बॉडी का आकार दिया जाता है। अब सभी फ्रेम सीट को स्टोर हाउस में भेज दिया जाता है और फिर कुछ ऐसे सभी ढांचे एक एक करके वेल्डिंग यूनिट में कन्वे होते हैं। फिर यहाँ पर ये ऑटोमेटेड रोबोट सभी सीटों के अलग अलग पार्ट्स को बारीकी से जोड़ो कर वेल्ड कर देती है। अब ऑटो रिक्शा के इस पार्ट को यहाँ के वर्कर्स और भी अच्छे से जोड़ों पर वेल्ड करते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि इन सभी प्रोसेसों में